कंटेनर वेसल्स आईएसओ डाइमेंशंस हैं उसके स्टैंडर्डाइज्ड। कंटेनर वेसल्स में जब लोडिंग होती है दी वेसल्स आर नॉमिनेटेड कंटेनर्स ऑफ कोर्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, लॉजिस्टिक्स आर वेरी वेरीड फॉर्म। सो जब कंटेनर वेसल पे लोड होता है कंटेनर्स आर लोडेड इन बेज एंड सिंस दी कंटेनर्स आर आईएसओ सर्टिफाइड ऑल कंटेनर्स कैन बी स्टैक्ड बिकॉज आपका विड्थ इज द सेम, height and length may vary, ठीक है। So that was all about the understanding of the container. Max gross weight also is as per ISO dimension. Max gross weight में आपका 30,000 is 40 feet, 20,000 is 20 feet, ठीक है, approximate weight. So in this scenario आपका container जो है जो construction होता है it is cotton and steel. Modernized containers में सारे cotton steel है। They do not follow steel containers for simple reason that average life expectancy is less and maintenance cost is more in previous generation steel. Cotton steel is much cheaper to maintain and longer duration. ठीक है? Anything, any doubts? कुछ nothing. कंटेनर फॉर्म ऑफ कैरेज जब हम बात करते हैं, कंटेनर फॉर्म ऑफ कैरेज व्हाट इज अ फ्रेट कंटेनर वो पूछ सकता है। अगेन इज आर्टिकल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मल्टीपल मोड्स। जब हम मल्टीपल मोड्स की बात करते हैं, इन योर मल्टीपल मोड्स द कंटेनर इज कमिंग फ्रॉम ट्रक, ट्रेलर, ट्रेन, है ना, यहाँ वहां से घूमते 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 आता है, फाइनली शिप पे लोड होता है। शिप से अनलोड होने के बाद अगेन इट गोज ऑन टू अ ट्रक, ट्रेन और व्हाटएवर। सो बेसिकली टिल इट रीचेस फ्रॉम फाइनल शिपर टू कंसाइनी देयर आर मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको हम मल्टी मॉडल बोलते हैं। मल्टी मॉडल के डिटेल्स जो है अगेन दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, इट इज इन मास्टर्स, बट मल्टी मॉडल आपको ये नाम या शब्द मालूम होना चाहिए व्हाट इज मल्टी मॉडल। सो मल्टी मॉडल इज बेसिकली मल्टीपल मोड्स। सो as per multimodal transportation you have all these kya bolte hain forms of transport jisme jata hai aata hai utarta hai jo bhi hai, this is managed by logistics entity of that particular container, theek hai। kyunki aap kuch socho jaise humne TEU ka zikr kiya tha, yani ek container agar hum VLCC ULCC dekhe they are to the order of 10,000 to 20,000 containers average, so 10-20,000 कंटेनर्स एक शिप पे लोड करना कहीं से कहीं पहुंचाना, there is a large logistics involved जो शिप पर्सनल नहीं कर सकता, correct? So all this imagine एक कंटेनर कहां से आ रहा है, वो कौन से ट्रक में जाएगा, कौन से ट्रेन पे आएगा, फिर शिप पे आएगा, वहां से कौन से ट्रक पे जाएगा, कौन से ट्रेन में जाएगा, ऐसे each कंटेनर का 10-20,000 कंटेनर, सो दिस इज अ वेरी लार्ज लॉजिस्टिक्स, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर शिप पर्सनल। दैट इज व्हाई ये सारा लॉजिस्टिक्स का खेल जो है यू हैव अ सेपरेट ऑफिस एंड और बैक एंड और शोर एंड जहां पे सारा प्रोसेसिंग होता है, ऑल दिस प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन अ लॉजिस्टिक एंड अशोर। दैट्स व्हाई दिस कंटेनर शिप सब जगह इन लोग के अलग अलग ऑफिस होते हैं बाहर लॉजिस्टिक्स वाले अदर देन टेक्निकल माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है। So, logistics, जो आपका ये है लॉजिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ऑफिस एंड ऑल द डेटा प्रोसेसिंग विल टेक प्लेस वहां पे, ऑल द स्टोरेज प्लान्स विल ऑल्सो टेक प्लेस वहीं पे, ठीक है। सो द बेस्ट पार्ट इज एज अ मेट यू डू नॉट हैव टू प्रिपेयर एनी स्टोरेज प्लान योर सेल्फ ऑन अ कंटेनर वेसल। स्टोरेज प्लान बना बनाया आता है शोर से एंड यू हैव टू ओनली वेरीफाई दैट इट इज इफ इट इज मेड करेक्टली। तो इससे कुछ रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं दैट वी विल इवैल्यूएट एंड सी लेटर, ठीक है। नाउ व्हेन वी लोड दीज कंटेनर्स आपका हर एक कंटेनर जहाज पे आ रहे हैं, चलो स्टोरेज प्लान वगैरह कहानी हो गई सर उसको हम बाद में देखेंगे। जब एक कंटेनर आपके सामने आता है व्हेनेवर दे आर लोडिंग अ कंटेनर, so whenever we talk about a container it will look like this,
आपके सामने एक कंटेनर आएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट? सो व्हेन यू सी अ पर्टिकुलर कंटेनर, मैंने बोला था इट इज गवर्न्ड बाय, कैरेज इज गवर्न्ड बाय CST is International Container Convention for Safe Carriage of Containers. Safe Containers. International Convention for Safe Containers 1972. So, ये convention define करेगा basically the regulations related to a container. ठीक है? If the container carriage is regulated. So now in this manner, what happens whenever you look at a container? अगर इसकी प्रोफाइलिंग देखोगे, ऑन द बॉटम लेफ्ट यू हैव अ प्लेट, बॉटम लेफ्ट शुभम यू हैव अ प्लेट दैट इज अ सीएससी प्लेट, ठीक है? देर इज अ सीएससी प्लेट एंड सेंटर में अगर आप देखोगे देर आर आईएसओ डायमेंशन जो हमने पहले देखे थे एंड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर you have owner's code, serial number, check digit. जो box में number दिख रहा है, that is known as a check digit. And उसके नीचे 25G1 जो लिखा है, that is known as a size and type code. Size and type code. ठीक है? So you have basically owner code, serial number and check digit. And then you have size and type code on the top. So, अगर कोई इस कंटेनर को अगर इस तरीके से देखने जाए सामने से, by looking at this container, आपको मालूम पड़ना चाहिए this container belongs to whom, owner कौन है, इसका serial number क्या है, and किस टाइप का कंटेनर है, क्या साइज है इस कंटेनर का, यहीं से आपको देख के मालूम पड़ना चाहिए all the time, from one side only, ठीक है? कौन सा टाइप है वो भी मालूम पड़ेगा, ओपन टॉप है क्या है, एवरीथिंग विल कम टू नो, वी विल जस्ट सी द टाइप्स एंड किसको रजिस्टर्ड है, कितना इसका वेट है, रजिस्टर्ड वेट, राइट? ऑल दीज थिंग्स विल कम टू नो फ्रॉम द सीएससी प्लेट. सो जस्ट बाय लुकिंग एट द कंटेनर यू कैन फिगर आउट अ लॉट ऑफ डेटा. क्लियर? सो कंटेनर जब हम देखते हैं देयर आर वेरियस टाइप्स. कंटेनर जब हम देखते हैं नॉर्मली देर आइडेंटिफाइड एज ड्राई कंटेनर्स, आईएसओ कंटेनर्स. ऊपर अगर आप देखोगे देर 20 फीट एंड 40 फीट फर्स्ट टू. देयर स्टैंडर्ड साइज इज 8 फीट 6 इंचेस, ठीक है? ये हाइट है उसका, लेंथ 20 फीट एंड 40 फीट. देन यू हैव फ्लैट रैक्स, इसको फ्लैट रैक बोलते हैं, 20 फीट एंड 40 फीट. एंड उसके नीचे यू हैव ओपन टॉप कंटेनर्स, ऊपर से खुला होता है, दे कैन बी यूज फॉर लोडिंग बल्क कार्गो, ऊपर से ग्रेन कुछ भी, एंड ऊपर से आप कैनवस लगा सकते हो उसको, दैट इज ओपन टॉप. एंड देन यू हैव रीफर कंटेनर्स, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, ठीक है? सो लगभग आपके ये एल्यूमिनियम जीआरपी वाले हो सकते हैं, रीफर वाले, बिकॉज इनमें इंसुलेशन की जरूरत होती है. For providing insulation, you have a material called as PUF. Suna hai naam kisi ne? PUF, polyurethane foam. Polyurethane foam is the one that is there in your side ends or the ends of the walls of the container. हाँ जी बोलो शुभम. सर जो open top वाले containers हैं, इनको मतलब कभी एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं स्टोर करते होंगे ना, मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई और कंटेनर ऐसा कुछ? हाँ, इसके ऊपर कंटेनर जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा. इसको आप सिर्फ उसी डेक पे रखोगे जहाँ पे प्लग पॉइंट है, रीफर वाले को प्लग पॉइंट के पास ही. अच्छा, ओपन टॉप सबसे ऊपर रहेगा. यस, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर हमेशा. अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो, normally they will not load anything on top. ये देखो, there is an open top here, यहाँ पे दूसरा एक है, sir flat rack में भी same होगा ना, ऊपर कुछ load नहीं करेंगे. same same same,
काफी क्लियर हो जाएगा। ओपन टोकन फ्लैट रैक्स अगल बगल है, ठीक है। सो व्हेन वी लुक एट अ पर्टिकुलर कंटेनर क्लोजली, सबसे पहले उसका सीएससी प्लेट आता है। अब सीएससी प्लेट में यू नीड टू रिमेम्बर, वो जो अगर आप प्लेट के पास जाओगे आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। सो द मिसकंसेप्शन कि ये पूरा सीएससी प्लेट होता है नॉर्मली, दैट इज अ मिसकंसेप्शन। सीएससी प्लेट खाली वो नीचे वाला हिस्सा है जहां पे सीएससी सेफ्टी अप्रूवल लिखा है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। सीएससी प्लेट जब बोलते हैं वो सिर्फ नीचे वाला हिस्सा है जहां पे सीएससी सेफ्टी अप्रूवल लिखा है, क्लियर है। यस, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दैट इज नोन एज अ एडिशनल प्लेट और अनदर प्लेट नोन एज अ कस्टम्स प्लेट। वन सेकंड प्लीज। So the top part is known as a custom plate or the custom seal plate. Niche wala CST plate. Please be very careful. Okay? Now in this case, when they ask you what is a CST plate, first of all you need to know the CST plate is required by Annex 1 Regulation 1 of the CST Convention. Okay? A safe container convention. Annex 1 Regulation 1. Please read the first line. The International Convention for Safe Containers 1972, Annex 1 Regulation 1 deals with safety approval plate. अभी वो क्या है कैसा होता है normally अपना theory question आता था, but oral's point of view they are going to ask you. किसकी वजह से रिक्वायर्ड है? सो सीएससी एनेक्स 1 रेगुलेशन 1, ठीक है। सो व्हेन दे आस्क यू व्हाट इज अ सीएससी प्लेट, स्पेशली सेकंड मेट्स क्वेश्चन व्हाट इज अ सीएससी प्लेट आता है, आप पहले तो ये बोलोगे सीएससी कन्वेंशन एनेक्स 1 रेगुलेशन 1, याद रखना भी आसान है, राइट। एनेक्स 1 रेगुलेशन 1 से है एंड यू विल से it is a permanent non-corrosive and fireproof plate measuring not less than 200 by 100 mm. This is exactly what the surveyor wants to hear. Okay? CSC plate kya hai? It is a permanent non-corrosive fireproof rectangular plate measuring less than 200 by 100 mm. CSC सेफ्टी अप्रूवल का जो लेटर हाइट होता है, जो टाइटल है उसका, जो ये वाला जो प्लेट है नीचे वाला प्लेट, उसका जो टाइटल है CSC सेफ्टी अप्रूवल, दैट मिनिमम लेटर हाइट इज 8 mm एंड ऑल अदर वर्ड्स आर मिनिमम 5 mm. देन दे विल आस्क यू व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ CSC प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसमें कंटेंट्स। सो कंटेंट्स में आपका पहला कंट्री ऑफ अप्रूवल एंड अप्रूवल रेफरेंस, फर्स्ट बॉक्स देखो उसमें कंट्री ऑफ अप्रूवल दिख रहा है, अप्रूवल रेफरेंस भी दिख रहा है यूएसए। नेक्स्ट इज डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। Manufacturer's identification number of the container, right? Third one, identification number. Okay. Maximum gross weight, maximum gross weight.
allowable stack weight for 1.8G. I'll explain this. Allowable stack weight 1.8G. Last one is racking test load value. Racking test load value. Clear hai? So surveyor ko exactly yahi sunna hai. Uske aage then he wants to listen. On the right hand side you have a blank space. On the right hand side of the plate you have a blank space. Guys, when you're explaining CSC plate, ye image ko dimag mein rakke A to Z usko batana. Don't slow down, stop, interrupt anywhere. Usko aapka ek sur mein answer sunna hai. On the right hand side, I have a blank space jisme re-examination dates will be applicable. Now, mates, for your information, I will request you to read this, but orals mein na bolo to better hai. Please read this first. A blank space should be reserved on the plate for the insertion of first and subsequent maintenance examination dates and for insertion of end wall and side wall strength values. Smart rahoge to last wala jo end wala part hai wo mat bolo. Mates or secondments. Clear hai? वो थ्योरी के लिए ठीक है, ओरल्स में मत बोलो. ओरल्स में बोलो, देयर इज अ राइट साइड में एक ब्लैंक स्पेस होता है, उसमें फर्स्ट एंड सबसिक्वेंट एग्जामिनेशन डेट्स के लिए जगह होती है. खत्म. आंसर क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. डेट मैन्युफैक्चर्ड इज 2012. The maintenance interval, mates, second mates ke liye nahi hai. The maintenance of interval of the container, mates, kya hai? 5 years. Very correct. First examination is 5 years from the date of manufacture. After that, every 30 months. After that, every 30 months. Likhna hai to likh lo. Maintenance interval for a container, first examination is after 5 years from the date of manufacture, and subsequent re-examination is every 30 months. Manufacture is done. Identification number I will do later. Iske baad maximum gross weight aap log ko pata hai. That is your ISO gross weight, right? That is as per ISO. So, jo size ke hisab se weight ISO ke hisab se hoga, wahi hoga uska weight. Next is allowable stack weight 1.8G. Allowable stack weight. Pehle to stack weight kya hota hai? एक के ऊपर एक जब आप कंटेनर रखते हो वो स्टैक वेट हो जाता है. क्लियर? व्हेनेवर यू कीप कंटेनर वन अबव द अदर नथिंग इट इज स्टैक वेट. सो उसकी एक लिमिटेशन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने कंटेनर आप एक कंटेनर के ऊपर रख सकते हो, देयर इज अ लिमिटेशन. अगर वो लिमिटेशन एक्सीड करोगे तो क्या होगा? कंटेनर सर कोलैप्स हो जाएगा. करेक्ट, structural collapse. ठीक है? So in this scenario something like this will happen. ये वाला container दिख रहा है, bulkhead उसका वो, something like that. Buckle हो जाएगा या जो भी है, bend हो जाएगा. So when you say allowable stack weight, वहाँ पे एक number दिया है,
216000 kgs that is allowable stack weight, मतलब उसके ऊपर इतना वेट आप रख सकते हो, क्लियर है? सो अगर मैं बोलूं वन कंटेनर इज 30,000, सिंगल कंटेनर वेट इज 30,000 एवरेज, इसके ऊपर कितने कंटेनर रख सकते हैं हम? कैसे निकाला? डिवाइड करके 216000 डिवाइडेड बाय 30,000 टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ईच कंटेनर, आपको नंबर ऑफ कंटेनर मिल जाएगा, सेवन आ जाएगा, राइट? सेवन, ठीक है? सो अलाउेबल स्टैक वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मालूम होना चाहिए अलाउेबल स्टैक वेट विल ऑलवेज बी द टोटल वेट दैट कैन बी कैरिड ऑन द कंटेनर, करेक्ट? दैट इज 216000 टोटल वेट, ग्रॉस वेट इज द वेट ऑफ दैट कंटेनर. हाँ जी बोलो सर. ये स्टैंडर्ड कंटेनर होने की वजह से सबका स्टैक वेट एक ही होगा कि हर एक कंटेनर का अलग अलग होगा? डिपेंडिंग ऑन द साइज अलग अलग हो सकता है. ओके, तो सबका चेक करना पड़ेगा ना? तो वो थोड़ी ना, तो वो लोग चेक करेंगे ना, शोर वाले, हमें नहीं चेक करना. वी हैव टू ओनली मॉनिटर कि हमारा कंटेनर्स मैनिफेस्ट के हिसाब से, ठीक है? सो 216000 डिवाइडेड बाय 30,000, तुम एक एक कप अगर उसको टैली करते रहोगे तो इंसान खत्म हो जाएगा. 10,000 कंटेनर कैसे मॉनिटर करोगे? कौन सा कहाँ रखना है एज पर स्टैक वेट? वी कैन नॉट मॉनिटर ना. वो वही उसके पास टूल्स होते हैं, उन लोग के पास, तो वो लोग मॉनिटर करते हैं उसको. नाउ विद दिस अलाउेबल स्टैक वेट, आपको ये समझना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, एनी वेट, जैसे मान लो मैं भी इस चेयर पे बैठा हूँ, जो मेरा वेट है इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन द चेयर इन अ स्टैटिक मैनर, करेक्ट? आप लोग जहां बैठे हो योर वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स इन अ स्टैटिक मैनर. जो लोग एयरक्राफ्ट में बैठे हैं, नेचुरली सब लोग बैठे हैं जॉइनिंग के लिए, अनलेस किसी का नसीब खराब था कि वो सारे उसके शिफ्ट मुंबई में आए थे. सो एनीवेज, इफ यू आर सैट इन अ फ्लाइट, अगर जब वो स्पेशली जब टेक ऑफ होता है, फ्लाइट टेक ऑफ होते वक्त आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा दैट देयर इज अ स्लाइट इफेक्ट वेर यू गो इनटू द चेयर, थोड़ा सा दबाव फील होता है, यू ट्राई टू टेंड टू गो इनटू द चेयर, दैट इज समथिंग नोन एज अ जी फोर्स. सुना है जी फोर्स? पायलट्स का जी टेस्ट होता है. सो जी फोर्स इज समथिंग you experience at some level because you are going against the gravity. The acceleration due to gravity is against the actual gravity acting downwards, right? So pilots jo hote hain jab wo upar jate hain, they experienced a bone crushing weight acting on them when the jet is going up against gravity. जब अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं, दे फील एज इफ दे आर बीइंग प्रेस्ड. मतलब जो अगर आप किसी के एक्सपेरिमेंटल वर्डिंग सुनो यूट्यूब पे, अगर कुछ एक्सप्लोर करो, तो जी फोर्स जो हाईएस्ट जी फोर्स होता है, इट इज एज इफ एलिफेंट इज स्टेपिंग ऑन यू, उस तरीके से उसका प्रेशर रहता है. सो दैट इज द जी फोर्स एक्सटेंट, उस लेवल तक जाता है. सो कहने का ये मतलब है, अगर आप स्टैटिक ग्राउंड पे खड़े थे, आपका 70-80 किलोस वेट होता, राइट? जो भी है, बट वही अगर आप मान लो अगेंस्ट ग्रेविटी कुछ ट्रैवल कर रहे हो, इट विल प्रोबेबली बी 85 किलोस, 90 किलोस और समथिंग, बिकॉज यू आर एक्सर्टिंग सम एडिशनल वेट डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी. समझ में आ रहा है? यस क्लास. सो आप ऐसे सोचो, जब आपका जहाज जो होता है इट इज कैरिंग कंटेनर्स, राइट? अब वो कंटेनर का जो 30,000 है वो तो स्टैटिक वेट है ना आईएसओ के हिसाब से, बट जब आप उसको एक कंटेनर के ऊपर 7-8 कंटेनर रख दोगे, मान लो 30,000 इंटू 7 कितना हो गया?
210,000 ना, 210,000 इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन दिस नीचे वाला कंटेनर, ये हो गया स्टैटिक, है ना। बट जब ये जहाज एट सी जाएगा कंटेनर लेके, जहाज आपका ऊपर नीचे रोल पिच मारेगा, जब रोल पिच मारेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द सी, इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ काउंटर इफेक्ट टू ग्रेविटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, यस और नो। तो सारा जो कंटेनर का वेट है वो एक मोमेंट के लिए ऊपर आएगा एंड फिर नीचे जाएगा, जो भी है। जब वो ऊपर आता है वो 210,000 विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स लाइक 3 lakhs, यस और नो, इंक्रीज्ड ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाई द अलाउएबल स्टैक वेट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर 1.8 टाइम्स द ग्रेविटी ड्यू टू द एक्सेलरेशंस एट सी। ठीक है, क्लियर फ्रॉम सर? 1.8 इज इनसाइड 2 lakh, वो वैल्यू की 216,000 में इनकॉर्पोरेटेड है, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड विद 1.8 टाइम्स द ग्रेविटी। मतलब अगर ये मान लो कंटेनर का जो एक्चुअल मान लो का स्टैटिक रखते शायद, है ना, स्टैटिक वेट रखते तो कुछ होता, मान लो एक्स नंबर ऑफ कंटेनर्स ज्यादा रख सकते थे, तो मतलब 10 मान लो 10 कंटेनर रख सकते थे, बट क्योंकि ये तुम्हारा एट सी जा रहा है तुम सिर्फ 7 कंटेनर ही रख सकते हो, बिकॉज वो 7 कंटेनर जब एट सी जाएंगे वो 10 कंटेनर का इफेक्ट उस पे लागू होगा, सो इट इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड विद दैट वेट। क्लियर? वो 1.8 जी का मतलब होता है। नेक्स्ट, racking test load value, racking test is nothing but sideways stress on the containers, sideways jo hota hai, it is a container aapka is tarike se move hota hai, because when you stack container on top all those containers are going to experience a sideways motion also, the sideways motion for a container is known as a racking stress, theek hai, so racking stress aapka it is tested to a certain value, okay? Again, we have got nothing to do with it, naturally. It is just that the responsibility of the container owner that jab CSC plate ya registration kar raha hai uska, it is tested for that particular stress, okay? Orals mein question nahi pucha, okay? Na hi aapki responsibility isme, na hi aapka role hai, but yes, racking stress kya hota hai, malum hona zaruri. That's why I explained to you that. ठीक है, क्लियर फॉर ऑल? दैट इज व्हाई इफ यू सी द डेट मैन्युफैक्चर्ड और द ईयर मैन्युफैक्चर्ड इज 2012, उसका फर्स्ट इंस्पेक्शन इज 5 इयर्स लेटर 2017, दिख रहा है ऑन द राइट, द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज आफ्टर 5 इयर्स, अभी आफ्टर 5 इयर्स यानी आफ्टर 2017 ये वाला कंटेनर जो है पॉसिबली एवरी 30 मंथ्स का इंस्पेक्शन आ रहा होगा, ठीक है, 30 मंथ्स कितना होता है, 2.5 साल, तो बेसिकली एवरी साल एवरी 5 इयर्स में 2 बार इंस्पेक्ट होगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। ओके, हाँ जी सर, वो इंस्पेक्शन के बाद अगर फाइंड आउट किया कि वो साइड वॉल्स का स्ट्रेंथ कम हो गया है या पिलर उसका कॉर्नर पोस्ट का, तो स्टैक वेट का वैल्यूज भी चेंज करते हैं कि वो निकाल देंगे सर्विस से? टेस्टिंग में दे विल रिपीट, नो दे विल रिप्लेस इट, दे विल रिपेयर इट, और दे माइट इफ इट ज्यादा खराब हो गया तो सर्विस से निकाल देंगे नेचुरली। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोग का जो घर पे वाटर प्यूरिफायर ये सब जो खरीदते हो आप लोग, या कोई कोई भी सामान इक्विपमेंट अप्लायंस, आजकल वो उसके साथ
एएमसी देता है आपको, एएमसी मालूम है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आता है, बोलता है मैं साल में इसको 3 बार या 4 बार चेक करके जाऊंगा, लमसम अमाउंट 2000-3000 रुपया भर दो, मैं आके चेक करके जाऊंगा, सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, अलग अलग कराओगे तो 500 रुपए पर सर्विस चार्ज लगेगा, आपको महंगा पड़ेगा, राइट, ऐसा कुछ बोल के जाता है जो भी। नाउ इससे आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है उसको इक्विपमेंट को चालू रखने का, व्हाई, बिकॉज वो बंदा अपने आप आता है हर 3 महीने बाद फोन करके, मुझे चेक करना है, 4-5 चीजें चेक करेगा, चल रहा है बराबर, निकल जाएगा, करेक्ट है, योर इक्विपमेंट इज फंक्शनिंग प्रॉपर। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, हर बार एएमसी अगर नहीं लेते, याद से जब आपको अगर मान लो वाटर प्यूरिफायर था, पानी का टेस्ट खराब आ रहा है, अरे उसको फोन करो, अपॉइंटमेंट लो, उसको बुलाओ, रिपेयर करो, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन टू गेट इट सर्विस्ड। एएमसी में ऐसा नहीं होता। सो सिमिलरली इन दिस केस ऑन कंटेनर्स, इफ द कंटेनर ओनर हैज टू गेट इट इंस्पेक्टेड हिमसेल्फ, देन आपका जो कंटेनर है उसके एंड वॉल साइड वॉल का जो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो उसका सो राइट साइड का जो ये वो कॉलम है, राइट साइड कॉलम में डेट्स आर मेंशन, जब डेट दिया होता है दैट मींस द कंटेनर ओनर इज गोइंग टू इंस्पेक्ट इट हिमसेल्फ और गेट इट इंस्पेक्ट, ओनर ऑफ द कंटेनर है, will get inspected himself. But अगर वो कोई AMC में enroll करता है, then there is something known as ACEP written on the approval plate. Date नहीं होता उसमें फिर. Clear? अगर उसने कोई maintenance program में enroll किया है, there will be no dates written on the blank space on a CSC plate. उस पे सिर्फ ACEP लिखा होगा, दैट्स ऑल, क्लियर? अविनाश, शुभम और अमित अय्यर, संदीप, मनोज, क्लियर है क्लास? ओके, सो ACEP stands for Approved Continuous Examination Program, लिख लो कहीं पर, Approved Continuous Examination Program, ACEP, सर अगर एक क्वेश्चन पूछा कि जैसे राइट हैंड साइड कंटेनर में क्या होता है, हम जैसे बोलेंगे डेट होता है इंस्पेक्शन का, बोला अगर वो नहीं होता तो फिर इसको मतलब बोलेंगे, मतलब उसको समझाएं कैसे कि ये ऑटोमेटिक है बेसिकली। जैसे मान लो जिसके साथ एनरोल्ड होगा उसके क्या बोलते हैं सर्विस एजेंसीज, नहीं बोल सकते, सर्विस आउटलेट्स होंगे जिस कंट्रीज में, उसके जो ऑफिस होंगे, सो जहां पे भी ये कंटेनर है, जैसे उसका टाइम होता है इंस्पेक्शन का, वो अपने आप वहां से ऑफलोड या रिसीव किया जाएगा, वहां पे चेक एंड रिपेयर करके इट विल बी पुट बैक इन सर्विस, दैट इज ACEP, इट इज लाइक अ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स लाइक अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ओनर को फिर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएस में बैठा ओनर कंटेनर आपका फार ईस्ट में घूम रहा है, कहां वो उसको उतरवाएगा, चेक कराएगा, ACEP एनरोल कर दिया तो एक ऑफिस है वो हैंडल कर रहा है, वो उसको सिंगापुर में उतारे नहीं तो हांगकांग में उतारे, उसको उतार के इंस्पेक्ट करके वापस सर्विस में डाल देगा ऑटोमेटिकली,
ओनर को बोल देगा हो गया इंस्पेक्शन, ये चेक किया था, ये रिप्लेस किया, ये रिपेयर किया था, ठीक है। Here for all CSC plate maintenance, आप लोग का allowable stack plate for 1.8G blank space में क्या होता है, dates and ACEP, ठीक है, those things should be clear. Next, ऊपर जो आपको container number दिख रहा है, एक सेकंड, ट्राइंग टू ओपन समथिंग, आपको जो ऊपर वो नंबर दिख रहा था उसमें MTBU इज द ओनर्स नेम, MTBU is the owner's name, first three digits only, not MTBU nahi hai, only MTB. MTB is the owner's code, first three alphabets. Jaise Mitsubishi malum pad raha aapko, MTB. MAE is Maersk, something like that. Theek hai? So that will be owner's name. Haan ji bolo. ये जो ओनर का नंबर है ये इसका पोजीशन सेम ही रहता है, सेम प्लेस पे टॉप राइट कॉर्नर, या कहीं भी चेंज कर सकते हैं, वही रहेगा। ओके, एक बार भी कंटिन्यू टाइपिंग के पास ये देखो, ये दूसरा कंटेनर है इधर, ये ऊपर सो ओनर्स नेम अगेन दैट इज Mitsubishi, द नेक्स्ट अल्फाबेट इज यू दैट इज नोन एज प्रोडक्ट ग्रुप कोड, प्रोडक्ट ग्रुप कोड यू स्टैंड्स फॉर फ्रेट कंटेनर, उसमें आर आता है रीफर, जे आता है डिटैचेबल फ्रेट, जेड आता है ट्रेलर और चासी, ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर, सीरियल नंबर इज नथिंग बट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके। उसके बाद यू हैव चेक डिजिट, अब चेक डिजिट का क्या फंडा है, चेक डिजिट इज अ सेपरेट नंबर दैट इज कैलकुलेटेड बाय एल्गोरिथम, इट इज अ एल्गोरिथमिक कैलकुलेशन, यानी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है प्रॉपर, जिसमें आपका ओनर कोड एंड सीरियल नंबर को वैलिडेट किया जाता है, यानी वेरीफाई किया जाता है। द चेक डिजिट इज प्योरली टू वैलिडेट और वेरीफाई द ओनर्स कोड एंड सीरियल नंबर, मतलब अगर मैं कंटेनर को अगर मुझे वेरीफाई करना है, आई विल टाइप MTBU020206, ऐसे जैसे मैं टाइप करूंगा मेरे सिस्टम में वो फ्लैश होना चाहिए, मेरे मतलब मेरे कंप्यूटर में फ्लैश होना चाहिए कि उसका चेक डिजिट 9 है, राइट। और फिर मैं वहां जाके कंटेनर को देखूंगा, हाँ भाई इसका 9 दिख रहा है चेक डिजिट, मतलब ये कंटेनर जो आया है करेक्ट है, इज दैट क्लियर, बिकॉज मैंने बोला था ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से आ रहा है वहां से आ रहा है, देर कैन बी मिस्टेक्स, दिस इज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, इज दैट क्लियर।
दिस इज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सच मिस्टेक. तो जब भी मैं उसको देखूंगा इन टर्म्स ऑफ ओनर कोड एंड सीरियल नंबर, चेक डिजिट इज द ओनली वे हाउ यू विल वेरीफाई अ कंटेनर. ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है उल्टा, हाउ विल यू वेरीफाई इट इज द सेम कंटेनर और करेक्ट कंटेनर, उल्टा क्वेश्चन हो सकता है ना. तो आप बोलना कि चेक डिजिट है उसी से मैं वेरीफाई करता हूँ. चेक डिजिट से कैसे वेरीफाई करोगे? बोलो दैट इट इज अ एल्गोरिथमिक कैलकुलेशन फॉर ओनर कोड एंड सीरियल नंबर. फिर वो पूछेगा इसका मतलब क्या होता है. मतलब अगर मैं अपने सिस्टम में MTDU020206 टाइप करूं, मेरे सिस्टम में फ्लैश होना चाहिए कि उसका चेक डिजिट होना चाहिए 9, एंड आई विल चेक विजुअली दैट द चेक डिजिट ऑन द कंटेनर इज नंबर 9. ठीक है. ऑल द कंटेनर्स हैव चेक डिजिट फ्रॉम 1 to 9, 0 इज अवॉइडेड. The container number उसका दिया, जो serial number registration number है वो दिया ही ऐसे जाता है so that the check digit does not come zero. Clear है? हाँ जी बोलो. सर बस एक बार confirm करना था कि ये जो MTBU code है, अगर हमारे पास कोई कंटेनर आया तो ये हम अपने सिस्टम में ये कोड एंटर करेंगे और उससे हमको ये चेक डिजिट शो करेगा नंबर 9, तो उससे मतलब हमको कंफर्म हो जाएगा कि सही कंटेनर है. यस करेक्ट है. तुम्हारे तुम्हारे सिस्टम में दिखाएगा कि चेक डिजिट 9 आ रहा है ना. जब तुम ये डालोगे लॉजिक क्या होता है, एक्चुअली हाउ इट इज, सर क्योंकि तुम पूछ रहे हो डाउट. हर एक अल्फाबेट को एक नंबर एलोकेटेड होता है, हर एक अल्फाबेट को स्टार्टिंग फ्रॉम 10. ठीक है. सो हर एक नंबर के हिसाब से खाली 11 के जो आपके सिलेबस में नहीं है शुभम, बट खाली इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, मेट्स के लिए है वो. बट अगेन मेट्स आपका थ्योरी में आता है, ओरल में नहीं पूछेगा. सो खाली वो 10 से चालू होता है एंड लीविंग द मल्टीपल्स ऑफ 11, हर एक अल्फाबेट के लिए एक नंबर होता है. सो जब आप MTBU टाइप करते हो, M का क्या नंबर है, T का क्या नंबर है, B का, U का, ऐसे नंबर आता है और 020206 अपने आप में नंबर है. इसका ये सब एड उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सारा एड करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो भी है वो एक वो कैलकुलेशन है. वो कैलकुलेशन से जो रिमाइंडर आता है दैट इज द चेक डिजिट. ये कैलकुलेशन है जो मैंने बताया. ठीक है. वो कैलकुलेशन स्टैंडर्ड है, अल्फाबेट्स के जो नंबर्स है वो स्टैंडर्ड है. तो नेचुरली आप उसको एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर में बना सकते हो. किसी भी चीज का कोई भी अगर है ना इवैल्यूएशन होता है, जैसे मान लो तुम्हारा नंबर कैलकुलेशन, उसको सॉफ्टवेयर में डाल सकते हो. सॉफ्टवेयर में खाली MTBU टाइप करो, वो उसके नंबर के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेगा एंड आपको फाइनल रिजल्ट चेक डिजिट दे देगा. सर अगर ये इसी कोड से ही जनरेट होता है तो ये चेक डिजिट का जरूरत ही क्या है? ये MTBU से ही डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते हमको अगर लिस्ट में MTBU वाला कोड रहेगा तो? MTBU के ओनर का नाम है वो तो कुछ भी हो सकता है. जैसे MTBU के ही कितने सारे कंटेनर्स हो सकते हैं, है कि नहीं? MTBU तो ओनर का नाम है ना, वो मित्सुबिशी है, वो तो मित्सुबिशी के पास लाखों कंटेनर्स होंगे. और ये जो चेक डिजिट है ये MTBU और उसके आगे के कोड का कॉम्बिनेशन से बन रहा है ना? हाँ पूरा सीरियल नंबर और ओनर नेम दोनों. हर एक कंटेनर के लिए वाला मतलब ये भी तो यूनिक ही है जो कोड है उसका. एग्जैक्टली यूनिक तो सीरियल नंबर यूनिक हो गया. कई बार तुम्हारा टाइपिंग एरर या लॉजिस्टिक एरर हो सकता है. जैसे किसी ने तो जैसे मान लो तुमने मुझे कुछ भेजना था, तुमने कंटेनर जो मतलब तुम मान लो ट्रेन वाले हिस्से को संभाल रहे हो, मैं शायद जहाज या शिप वाले हिस्से को संभाल रहा हूँ, तुमने मुझे एक कंटेनर का नाम दिया जिसमें MTBU020207 या 08 करके दे दिया, वो 6 का तुमने 8 करके लिख के दे दिया मुझे,
है ना, और मैंने कहीं से कोऑर्डिनेट करके 020208 वाले को उठा के रख दिया, है ना। अब वो जिसके जहाज पे जाएगा उसके पास शायद इनवॉइस में MTBU 020206 लिखा होगा, वो जब डाल के देखेगा इसको उसके सिस्टम में 9 दिखा रहा होगा शायद, क्योंकि वो 020206 का कर रहा है ना, ये वाले कंटेनर का, बट वो चेक डिजिट कुछ और आएगा उसका, इट विल नॉट मैच विद द विजुअल कंटेनर, तब वो रियलाइज होगा अरे गलत आया, तो कहां गलती हुई वहां से ट्रेस हो जाता है, समझा। दिस इज टू बेसिकली क्रॉस चेक एनी फॉल्ट इन ट्रेडिंग, बिकॉज ये कहां से आता है यार, तुम खुद सोचो एक कंटेनर जहां कहीं यूएस से या कहीं इंडिया आया है वो गलत हुआ है करके वापस भेजने में कितना दिक्कत होगा उसको, वापस कहीं पे उसको लॉजिस्टिक्स में डालो भेजो टू मच, और जिसको भेजना था वो भी गलत गया सामान, सो नेचुरली दिस इज फॉर प्रिवेंटिंग दैट काइंड ऑफ इश्यूज, ठीक है, क्लियर है मेट्स के लिए। अय्यर, अविनाश, संदीप, अनुज, इसके नीचे आपका आता है साइज एंड टाइप कोड। अभी क्या होता है, दी कंटेनर ओनर्स यूज अ टूल समथिंग नोन एज अ ट्रैकिंग टूल या कंटेनर नंबर टूल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड when they use such a tool there are various codes for a particular size and type, to pehle do digit jo hote hain char digit mein pehle do digit are size code, next two digits are type code, aap log ko agar likhna hai example ke taur pe to likh lo 25g1, ye jo dikh raha hai yahan pe isi ka example hum log likh lete hain 25G1 लिख लो, प्लीज अंडरलाइन 25 एंड राइट साइज कोड उसके नीचे, 25 इज साइज कोड जिसमें फर्स्ट डिजिट इज लेंथ, सेकेंड डिजिट इज हाइट, फर्स्ट डिजिट इज लेंथ, सेकेंड डिजिट इज हाइट, सो यहां पे देखो 25 का मतलब क्या है, देखो अभी 2 यानी 20 फीट एंड 5 यानी हाइट इज 9 फीट 6 इंच, यहाँ पे लिखा है ना लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है क्वेश्चन 9 फीट 6 इंच हाई कंटेनर, क्लियर। सो बाय लुकिंग एट दिस यू कैन फिगर आउट एनी कंटेनर उसका क्या साइज हो सकता है, लेंथ एंड हाइट, विड्थ सेम रहता है, मैंने बोला था ओनली लेंथ एंड हाइट इज वेरिएबल। नेक्स्ट टू डिजिट जो है G1 उसको अंडरलाइन करके लिखो टाइप कोड, जिसमें फर्स्ट द थर्ड डिजिट जो है टाइप कोड में जी जो है दैट इज टाइप कोड एंड 1 जो होता है दैट इज सब टाइप कोड, G is type code and 1 is subtype. G1 combined with type code hai na, G1 combined type code only, usme maine bola ki G is type main type and 1 is subtype, theek hai। So, अगर आप देखो यहाँ पे G1 together stands for general purpose. Now let's have a look exactly कैसे करते हैं लोग। So, उसके पास एक lookup tool होगा ऐसा, जो कोई भी एक operator है, उसके पास ऐसा tool होगा जहाँ पे वो 25G1 type करेगा, right? And नीचे उसका characteristics आ जाएगा। 20 feet, 9 feet, 6 inches, general purpose container without ventilation. Passive vents at upper part of the cargo. Clear? इस तरीके से
एक आ सकता है. सिमिलरली ही मे हैव G2. ऐसे अलग अलग कंटेनर हो सकते हैं. G0 क्लियर है. ओपनिंग एट वन एंड और बोथ एंड्स, इस तरीके से कुछ ना कुछ आपका कंटेनर हो सकता है. अगर गलत कोड डालोगे तो इनवैलिड कोड. ठीक है. So you will have basically many containers of various sizes. इस तरीके से रहता है एंड आपका अलग अलग टाइप करते हैं. देखो तो ये सर सॉफ्टवेयर तो होगा अपने शिप पे होना चाहिए to identify that type of the. हाँ शिप पे भी कर सकते हो या मेन तो ये लॉजिस्टिक्स वालों का होता है to identify and carry out your plans. कौन सा कंटेनर आ रहा है तो जैसे ही वी आता है मुझे मालूम है विद वेंटिलेशन वाला आ रहा है. जी इज जनरल पर्पस विदाउट वेंटिलेशन. बी आ रहा है मतलब बल्क कंटेनर आ रहा है बल्क टाइप है ना उसमें प्रेशर एयर टाइट क्लोज जो भी है. एस मतलब लाइफ स्टॉक. आर मतलब रेफ्रिजरेटेड सो ऑन इंसुलेटेड. यू मतलब ओपनिंग. P मतलब प्लेटफॉर्म उस तरीके से. ठीक है. ये सब क्या है किसको बुक से रेफर कर रहे हैं इसका नेम क्या है कोड कुछ है क्या इसका. नहीं नहीं यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ये कुछ रटने का जरूरत नहीं है कोई कोड. ये आपको इसमें से कम दो तीन मालूम होना चाहिए दैट्स ऑल एग्जांपल के तौर पे. क्या रहा ठीक है. So whenever you look at a container now, आप लोग को एक looking at the container एक rough idea आना चाहिए container है क्या. Yes or no? उसका size और type container अगर आप देखोगे नीचे से number 2501 आपको देख के मालूम पड़ना चाहिए it is a 20 feet container, high container and general purpose. Yes or no? G की जगह T रहेगा. T container है तो tank रहेगा. B रहेगा तो bulk रहेगा. V है तो with ventilation and so on. पी है तो प्लेटफॉर्म. ठीक है ओके एंड ऑफ कोर्स सीएससी प्लेट. सो इन टुगेदर आपका ये पूरा कंटेनर का फेमिलराइजेशन होता है. ठीक है. पार्ट्स वगैरह कोई नहीं पूछ रहा ओरल्स में. वो यही पूछेगा व्हाट इज सीएससी प्लेट व्हाट इज अ कंटेनर क्या है नंबर बताओ कोड बताओ क्या है वही पूछेगा. ठीक है. सर ये ओनर कोड का जो ग्रुप है वो चार में ही आता है. ओनर कुछ तीन में रहेगा. फर्स्ट तीन में रहेगा. अगर किसी वाले प्रोडक्ट ग्रुप का दो ही नेम में आया होता तो नहीं ऐसा नहीं होगा. ऐसा उसका नाम होगा ना कुछ तो. नाम के तीन अल्फाबेट रजिस्टर्ड होते हैं. जैसे मान लो अमित है तो AMT या कुछ होगा वो उसमें से तीन लेटर चुनेगा वो है ना. तीन लेटर चुनके एक ये अनुज है तो ANJ है ना. आईआर है तो IIR ऐसे जो भी है that will be selected depending on the name of the owner. ठीक है. और वो registered होता है बकायदा. it is not like वो randomly किसी ने बनाया है. it is a registered number registered with serial number. तो इसलिए उसका code is fixed. तो अगर MERS के containers सारे MAE होंगे Mitsubishi के सारे containers MTB ही होंगे so on. वो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है ISO के थ्रू. रजिस्ट्रेशन इज विद योर कंट्री ऑफ ओरिजिन. वो जो बेसिकली तुम्हारा था ना अप्रूवल कंट्री ऑफ ओरिजिन US जैसे था इसमें देखा हमने CSC प्लेट.
यहाँ पे लिखा होता है ना रजिस्टर्ड कंट्री यूएसए, ठीक है, इट्स लाइक रजिस्टरिंग योर व्हीकल यार, सेम थिंग है ना, तुम्हारा जो भी है पीबी है डीएल है एमएच है जो भी है, इट इज इन स्टेट, अगर मान लो तुम्हारा जो भी कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा है एवरीथिंग विल मार्क्ड एज आईएन है ना इंडिया जो भी है, इन दैट सेंस जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, सो उस तरीके से आपका नेम विल बी रजिस्टर्ड विद अ यूनिक नेम, इसलिए आइडेंटिफिकेशन नंबर वहां पे दिया हुआ है इस कंटेनर के लिए, एमटीबी वहां पे है ना एमटीबीयू इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर फॉर ऑल, ठीक है, चलो वील स्टॉप हियर, आई वांट टू डिस्कस यू थिंग बट आई टेक इट अप टुमारो, मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट नोट्स भेज रहा हूँ, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीड इट, आई एम सेंडिंग यू सम, एक तो वो सी एस सी प्लेट और कंटेनर नंबर जो हमने किया वो एंड सम शॉर्ट नोट्स, प्लीज रीड एंड कम फॉर टुमारो, ठीक है, टुडे संदीप एंड अय्यर, ठीक है, ओरल्स एंड शुभम आई विल टेल यू टुडे अदरवाइज आई विल टेक टुमारो, इनके साथ मेरा अगर दूसरा क्लास क्लास होता तो तुम्हारा फिर कर लेता हूँ, उसके बाद आई वॉन्ट टू टेक अविनाश अमित एंड अमित बाकी, ठीक है, 4:30 है ना सर, 4:30 नहीं होगा, आई विल ट्राई टू टेक इट आफ्टर 4:45, ओके, ठीक है, ओके, चलो, ऑल राइट गाइस, थैंक यू.